न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्त ने मंडल के सभी सीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड 19 की समीक्षा, कहा कोरोना के जांच और उपचार में ना बरते लापरवाही। अब की दिवाली में चीन से होगा उत्तर प्रदेश की मूर्तियों का जोरदार मुकाबला। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गौरी गणेश की चीनी मूर्तियों को बाजार से बाहर करने की है तैयारी। ऑनलाइन और वास्तविक कार्यशाला में विशेषज्ञ निखारेंगे मिट्टी से मूर्ति बनाने वालों का हुनर। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई पर्यटन विकास से संबंधित परियोजनाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक। संचालित परियोजनाओं को गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध ढंग से पूरा करने के दिए निर्देश। 5 जून से 30 जून तक ऑनलाइन भरा जाएगा गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा फॉर्म। कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, प्रवेश की प्रक्रिया को किया गया विकेंद्रीकृत। परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक दूरी का रखा जाएगा विशेष ध्यान। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तरीय आरबीएस के टीम के चिकित्सकों द्वारा 8, 9 एवं 10 जून को आयोजित होगा शिविर। कामगारों, श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच के साथ बनेगा नया राशन कार्ड। राजस्व मामलों का भी होगा निस्तारण। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने कहा, लॉकडाउन के दौरान की फीस अपने सुविधा अनुसार जमा कर सकते हैं अभिभावक, नहीं है कोई दबाव। गोरखपुर में 3 और कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 120। मरीजों में 1 सहजनवा और 2 भटहट के हैं शामिल। कोरोना एक्टिव केसों की संख्या हुई 84। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। 3 छात्र नकदन चोर चढ़े रामगढ़ताल थाना की पुलिस के हत्थे। उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में चोरी के सामान किए गए बरामद। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने किया खुलासा। और 7 जून तक लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए गीडा थाना प्रभारी ने किया पैदल गश्त। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने आम जनमानस से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की।